अब मैं निवेदन करूंगा रश्मि शर्मा जी से, उत्कर्ष जी से और हमारी छोटी मायशा से, जो वैष्णवी के किरदार में दिखेंगी, दीप को प्रज्वलित करें प्लीज। और साथ ही साथ माता रानी का हम स्वागत करेंगे ये चुनरी को माता रानी के तस्वीर पर चढ़ाकर। माता रानी का हम स्वागत कर रहे हैं कि हमें आशीर्वाद दें। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। माता रानी का आशीर्वाद हमने ले लिया, स्वागत भी कर लिया। अब उत्कर्ष जी हमें ये बात बताएं कि जो हमारा स्टार कास्ट है उनसे हम मिलना चाहेंगे जी, पर हमें किसको बुलाना चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले तो भाई भगवान का पाताल की कहानी है, सबसे पहले स्वर्ग की बात करते हैं। स्वर्ग की बात, और इसलिए कहा जाता है कि माता रानी जो है वो तीनों देवियां उनकी शक्ति के मिलन से बनी थी, तो इसलिए सबसे पहले हमें त्रिदेवियों को ही बुलाना चाहिए। चलिए देवियों का स्वागत करते हैं इस मंच पर। आपकी तालियों के बीच बुलाते हैं मदिराक्षी मुंडले को, जो लक्ष्मी मां के रूप में दिखेंगी। जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन, लक्ष्मी मां का किरदार निभाने वाली मदिराक्षी मुंडले। वैष्णवी का नाम वैष्णवी इसलिए पड़ता है क्योंकि विष्णु की शक्ति वैष्णवी जो है वो साक्षात लक्ष्मी, उनका पूरा अंश वैष्णो देवी में है। माता रानी का आशीर्वाद लेने जा रही हूँ। उत्कर्ष जी हमें कुछ किरदार के बारे में बताएंगे। देवी लक्ष्मी जो अपने आप में जो हैं चंचला भी होती हैं, सौम्या भी होती हैं, लेकिन उनकी अपनी जो प्रेम की शक्ति है, उनके हृदय की शक्ति है, मातृत्व की शक्ति है, वो सारी शक्ति जो है वो वैष्णवी में गई। और इसलिए जब हम लोग वैष्णवी की कहानी देखेंगे शो में, तो कई बार ये भी समझेंगे कहानी में कि उनके अंदर जो माता रानी में माता रानी का भाव है वो देवी लक्ष्मी से उनके पास गया है। इस बार बहुत तालियां मदिराक्षी के लिए।
काली माँ के रूप में दिखेंगी हमें इशिता गांगुली। देवी और सज्जनों जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इशिता गांगुली का। जय माता दी, जय माता दी। उत्तर जी हमें प्लीज कुछ बताएं काली माँ के रूप के बारे में। जब हम श्लोक में कहते हैं देवी माँ के कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, वो शक्ति जो है वो काली ही है। जैसे हम आप में जब आप लोग जब कटरा गए होंगे तो वहाँ पे जो त्रिपिंडी जो होते हैं उसमें काली स्वरूप ही है जो माता रानी के भीतर शक्ति के रूप में स्थित होता है। तो इसलिए बहुत बहुत स्वागत माँ काली का मंच पर। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू स्टार भारत कि मुझे महाकाली का किरदार निभाने का मौका मिला। थैंक यू। बुलाते हैं स्टेज पर भूमि देवी का पात्र निभाने वाली प्रीतिका चौहान को। हमें प्लीज इनके किरदार के बारे में बताएं। एक तरीके से जिस कहानी को आप देखेंगे 30 सितंबर से, उस कहानी का आरंभ जिसे इंसेप्शन कहते हैं माता रानी के जन्म से है और जन्म का संबंध भूदेवी से है। बस इतना ही बताऊंगा अभी, बाकी आपको जानने के लिए शो देखना पड़ेगा। बिल्कुल 30 सितंबर 9:30 बजे से। तो अभी हमने देवियों को तो बुला लिया, अब हमें किन्हें बुलाना चाहिए? जहाँ पर देवियाँ होती हैं वहाँ पर देवता आते ही हैं। अच्छा तो इसलिए जब देवियाँ यहाँ पर हैं तब देवताओं को भी बुलाने का समय आ गया है। चलिए तो देवताओं को बुलाते हैं। मैं एक पॉइंट से बोलना चाहूँगी, बिकॉज उत्कर्ष जी ने तीन देवियों की बात कही और हमारी सरस्वती माँ जो है वो मतलब मनीषा। जो मनीषा जो प्ले कर रही थी वो अनफॉर्चुनेटली आज थोड़ा अनवेल है तो नहीं आ पाई। बट मेरे लिए ये शो की एक्साइटमेंट है कि इस शो में डिसीजन मेकिंग या कह लें कि इस शो के अंदर जो एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रही है वो ये तीन देवियाँ लेती हैं। तो एज अ मेकर मेरे लिए बड़ा एक्साइटमेंट था कि एक औरत एक देवी एक जिस तरह का डिसीजन ले रही है इस शो के अंदर, बड़ा ही हमारे लिए स्टोरी टेलिंग में बहुत ही एक्साइटिंग फेज रहा है। तो वैसे हाँ, देवताओं को बुलाइए। हम डेफिनेटली बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो देवों को अब बुलाया जाए। बिल्कुल जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं ब्रह्म का किरदार निभाने वाले शरद गोरे को। ब्रह्मदेव के रूप में दिखेंगे हमें शरद गोरे जी। ब्रह्मदेव के प्रति मेरी अपनी आस्था अलग रहती है क्योंकि त्रिदेवों में क्रिएटिव फोर्स तो यही है ना, तो राइटर वो खुद हैं ब्रह्मा, तो इसलिए हमारे शो में भी हैं। और बहुत खुशी है कि कई बार जो शोज में जो ब्रह्मा होते हैं वो बड़े ही वृद्ध से छोटे से साइड में, हमारे ब्रह्मा बड़े हृष्ट पुष्ट हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। धन्यवाद।